एवरीवन, हाय मैं हूँ प्रीना और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है ब्यूटी ऑफ लाइफ विद प्रीना। आज मैं आप रिव्यू करने के लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा अनारकली गाउन। इसका लिंक मुझे एक बहुत ही प्यारी सी लड़की ने मेरे मेल पे सेंड किया था और ये जो ब्लैक कलर का अनारकली गाउन है इसकी प्राइस है 1618 रुपए और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है जिसके लिए मैंने 61 रुपीज एडिशनल शिपिंग चार्जेस भी पे किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं रिव्यू स्टार्ट करती हूँ। ये है वो बहुत ही प्यारा सा अनारकली गाउन, आप देख सकते हैं नेक पे, आप देखिए इस पे जरी का ये गोल्डन बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क किया गया है और बस्ट लाइन पे आपको मिलेगा इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, ग्रीन कलर के लीव्स का बहुत बड़ा एक पैच जो पूरा आप यहां से देख सकते हैं आपकी नेक से लेके बस्ट लाइन को इस तरीके से कवर करता है और यहाँ पे बने हुए बहुत ही गोल्डन गोल्डन ब्यूटीफुल से फ्लावर्स भी। और सेंटर में आप देखेंगे तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, प्लेन है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बस्ट लाइन के नीचे से पूरा सेंटर तक एक कट जो कि बुरा नहीं लगता है देखने में और यहाँ पे लगी हुई है गोल्डन कलर की पाइपिंग और लास्ट में आपको मिल जाता है वही बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैच वाला वर्क। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसके फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी कितना रिच लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा है। और बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, बैक में भी आपको मिल जाती है सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी, रेड कलर के फ्लावर्स है और यहाँ पे सेम रेड कलर का पैच है लगा हुआ, बैक इसका नीचे की तरफ प्लेन है और लास्ट में आप लोगों को मिल जाता है इस तरीके से टफेटा सिल्क मटेरियल का लगा हुआ एक बॉर्डर और जिसपे लगी हुई है गोल्डन कलर की लूपी। अंदर की तरफ इसमें लगाई गई है सैंटून फैब्रिक का लाइनिंग, आप ये देख सकते हैं इस पे लाइनिंग अटैच की हुई आती है, आपको अलग से कोई भी फैब्रिक लेके लाइनिंग नहीं लगवानी है, अंदर सॉफ्ट मटेरियल है, आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और इसके साथ में आपको मिल जाती है इसकी स्लीव जो कि कुछ सेम इस तरीके की दिखती है, इसमें भी सेम पैच वर्क है जो अनारकली पे दिया गया है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये फुल स्लीव्स है, ये हाफ स्लीव्स नहीं है और स्लीव्स पे भी आपको इस तरीके से गोल्डन कलर की बूटियां मिलती हैं और इसके अंदर लगाने के लिए कोई भी लाइनिंग नहीं दी गई है, ये ऐसे ही ट्रांसपेरेंट आपकी स्लीव्स रहेंगी और मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से लगेगा जब ये स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। और ये जो अनारकली गाउन है मैं आपको हाइट के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है, अगर आपकी हाइट 5'7" है तो ये आपको शोल्डर टू एंकल तक आएगा, आपका पहना हुआ सैंडल इसमें दिखेगा। और अगर आपकी हाइट कुछ अराउंड 5'4" 5'5" है तो ये आपको शोल्डर टू फ्लोर तक कवर करेगा और आपका पहना हुआ जो सैंडल है वो इसमें नहीं दिखेगा। फ्लेयर इनफ है, बहुत अच्छा वाला घेर है इसके अंदर। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ इसका दुपट्टा जो है, दुपट्टा ये शिफॉन का दुपट्टा है, बेसिक रेड कलर का दुपट्टा है 2 मीटर का और चारों तरफ दुपट्टे में आपको मिल जाता है इस तरीके का बॉर्डर, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ लगा हुआ है सिमिलर बॉर्डर, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है दुपट्टा भी इसका। और फैब्रिक का जो बॉटम है, जो अनारकली का जो बॉटम है वो है ये सैंटून फैब्रिक का, इसका भी जो मटेरियल है वो फेयर इनफ है, मुझे नहीं लगता कि आपको अगर आप इसमें पजामी बनवाएं चाहे सलवार बनवाएं तो ये छोटा पड़ेगा। और आगे की तरफ आपको इसमें भी मिल जाते हैं 2 लगे हुए बड़े बड़े पैच जिसमें इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की गई है, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये रहा ये पिक्चर, इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टिच होने के बाद में किस तरीके से लगेगा। इसमें आपको मिल जाते हैं 3 कलर, ये ब्लैक है, एक लाइट ग्रीन कलर का भी है, मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीन पे तो आपको पता पड़ जाएगा, एक लाइट ग्रीन कलर का है और इस तरफ आप देखिए एक क्रीम कलर का भी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट मैं तो कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं इसे परचेज करूँ तो कौन से कलर में करूँ, आप मुझे बताइएगा कि मुझ पर कौन सा कलर सूट करेगा क्योंकि अनारकली तो बहुत अच्छा है, इसका वर्क वगैरह जो है काफी रिच है, आप देख सकते हैं लुक इसका बहुत अच्छा है, बस मैं थोड़ा सा इसके प्राइस पॉइंट को लेके हूँ क्योंकि ये शिपिंग चार्जेस पे करके कुछ 1650 तक का पड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे कुछ 1400 रुपए तक का पड़ता तो मैं ज्यादा खुश होती। तो मेरे ख्याल से आप फ्लिपकार्ट पे जो सेल वेल लगती रहती है ना उसका ध्यान रखिए और अगर उस सेल में आपको ये 1400-1500 रुपए तक भी मिल जाए ना तो ये बेस्ट डील है, तब आप इसे परचेज कर सकते हैं और लिंक जो है इनका वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर कुछ और भी आप पूछना चाहें तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी।
तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।